तो सबसे पहले इन्होंने ना ये ऊपर जो है ये बनाना लीफ रखना शुरू किया है। ये गया जी आलू, पोटैटोस, ये आ गई स्पिनच, पालक जी, बॉइल्ड राइस, और ये है चिकन वल्वरान, ये इसने डाली है चिकन करी। इसके बाद अब ये डाल रहा है इसके ऊपर क्रैब करी। अब ये डाल रहा है जी फिश करी। ओए होए 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 होए, लेवल हो गया भाई। तो सबसे पहले हमारी नज़र है जी चिकन वल्वरान के ऊपर, और इसके ऊपर हमारी नज़रें जमी हुई हैं काफ़ी देर से। ये आ गया जी हमारा नवाला। मुँह में पानी आ रहा है कि नहीं, खाते हैं, बिस्मिल्लाह। वाह, ओए होए 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 भाई, ये जो साउथ इंडियन खाना है ना, कमाल है। अभी तक हमने इंडियन काफ़ी चीज़ें खाई हुई हैं, लेकिन सबसे बेस्ट इंडियन यही खाना लगा है मेरी तरफ से, तो भाई 10 out of 10। भाई आज की इस वीडियो में तो खाना देख के ना, इनके जितना स्वादिष्ट खाना लग रहा था, जितने यू नो फ्लेवर सामने पड़े हुए थे, मुंह में तो पानी आले टपक रही थी। के मसाले, उनके खाने, उनके हर एक चीज, स्पेशली दैट पानी पूरी, एंड दैट इज साउथ की बात करें, डोसा, इडली एंड सांभर, ये चीजें, एंड दैट वन इज द चावल, उनके बहुत फेमस है। मुंह में पानी आ रहा था और दिल कर रहा था कि हर चीज को चखूं, मतलब ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी का सबसे मेन एम हो कि इस चीज़ को चख के देखूं कैसा इनको फील हो रहा है। तो इंडिया के अंदर स्पाइस के साथ जिस तरह से उनका फ्यूजन किया जाता है, जिस तरह से खेला जाता है, और एक टेस्ट रिच कंट्री इंडिया है, तो ये एक बड़ी यूनिक चीज़ थी जो हमने देखी। रिसेंटली एक तमिल कुकिंग चैनल भी देखती हूँ, हमें सुकून ही ना मिल रहा था, कहते कुकिंग चैनल भी देखो, तो मैं उनका कुकिंग चैनल देखती हूँ, तो क्या खाना बनाते हैं वो। इंडियन फूड जो है ना, किसी तरीके मुझे 2-4 दिन का वीज़ा दे दो, मैं सारा घूमना चाहता हूँ, ठीक है। इंडियन फूड को मैं इंजॉय कर रहा यार, मुझे बड़ा ही मज़ा आता है, ठीक है। जब बात आती है ना खाने पीने की, ठीक है, तो मैं भाई पागल हूँ, ठीक है, मैं खाने के, हाँ मैं पागल हूँ खाने के पीछे। और मैं ये अक्सर ये सोचता हूँ कि हमारे पास ख़जाना है इंडियन डिशेज, हमारे पास पूरे पाकिस्तान वालों के पास, तो क्या पाकिस्तान वालों के पर, ठीक है आप वहाँ से कुछ चीज़ मंगवा नहीं सकते हो, वहाँ की रेसिपी देख के बना तो सकते हो, घरों में बना तो सकते हो, शॉप्स पर होटल्स तो खोल सकते हो, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को रोक रही है। दोस्तों जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा कि किस तरह मलेशिया में रहने वाले पाकिस्तानी शख्स ने जब पहली बार साउथ इंडियन फूड को टेस्ट किया, तब उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, और उनका कहना था कि पहली बार उन्होंने इतना स्वादिष्ट खाना खाया है, और साउथ इंडियन फूड का जायका सच में कमाल का होता है। दोस्तों भारत की हर स्टेट का अपना अलग खाना और पहनावा है, भारत में आपको जगह जगह अलग अलग तरह के खाने देखने को मिलेंगे, और जब पाकिस्तानी या गोरे इन व्यंजनों को पहली बार चखते हैं, तब उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि मसालों, सब्जियों और चटनी का ऐसा बेजोड़ स्वाद आपको दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा जो भारत में मिलता है। तो दोस्तों आज हम पाकिस्तानियों की राय साउथ इंडियन फूड पर जानने वाले हैं, तो इसीलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले ये अब खाना अब सर्व करना शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले इन्होंने ना ये ऊपर जो है ये बनाना लीफ रखना शुरू किया है। ये गया जी आलू, पोटैटोस, ये आ गई स्पिनच, पालक। तो लोग कहते हैं क्या रायता फैला दिया है, तो ये एक्चुअली वही रायता है जो इन भाई साहब ने फैला दिया। ये स्वीट्स हैं इनकी, इसको केसरी कहते हैं, और खा के देखेंगे कि कैसी है, लेकिन देखने में अच्छी लग रही है। ये जी बॉइल्ड राइस, और ये है चिकन वल्वरान, ये है पापड़ी जो आते साथ ही हमारी बिटिया रानी ने हमला करके तोड़ दी है। इसके बाद अब ये डाल रहा है इसके ऊपर क्रैब करी, ये आपने सही सुना, केकड़े वाली करी। अब ये डाल रहा है जी फिश करी। ओए होए 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 होए, लेवल हो गया भाई। मटन करी, तो भाई देखो ज़रा, ओए होए होए, ऐसे लगता है मटन करी की नहरें बह रही हैं। कहते हैं ना दूध की नहरें, तो यहाँ पर करी की नहरें बह रही हैं। तो अब जी होने वाला है घुमसान, जंग होने वाली है। ये आ गया हमारा माल, इसको भी करीब कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा दूर है, दूरियाँ अच्छी नहीं होती। स्पिनच ऐड की, पालक, फिर हमने ये पुदीने की चटनी ये ऐड की, तो जिंजर और गार्लिक ऐड किया हमने साथ में, जो उसने रायता फैलाया, अब हमारे समेटने का वक्त आ गया, तो हमने वो ऐड किया इसके साथ। तो सब चीज़ें मिला के ना अब हमारी बनेगी फर्स्ट बाइट, और फर्स्ट बाइट इम्प्रेशन। वाह, ओए होए 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 भाई, जो हाथ से खाने का मज़ा है ना, तुम्हारा तो हाथ इंजर्ड है, लेकिन लेवल का टेस्ट है भाई, ये जो सारी चीज़ें मिक्स करके खाई है ना, भाई अंदर जाकर ना जो
हर चीज़ का एक फ्लेवर अंदर जाके खुलता है ना, कमाल का फ्लेवर है, सच में मज़ा आ गया भाई। हमने अभी तक की जितनी भी चीज़ें खाई हैं ना, अभी तक की जितनी भी चीज़ें खाई, मुझे ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है भाई। ये जो साउथ इंडियन खाना है ना, कमाल है भाई। आज की इस वीडियो में तो खाना देख के ना, इनके जितना स्वादिष्ट खाना लग रहा था, जितने यू नो फ्लेवर सामने पड़े हुए थे, मुंह में तो पानी मेरे आले टपक रही थी। वैसे से पहले भी हमने जो है फूड ब्लॉग देखे हैं, लेकिन उसमें ये होता था बारी बारी खाना आता था, लेकिन इसमें सारा इकट्ठा ही आ गया हुआ था। मेरे लिए ना एकदम से इतना सारा खाना खाना डिफिकल्ट है, मतलब एक होता ना वो फ्लेवर मुझे हमेशा एक यू नो आला कार्ट में ज्यादा आता है, बट इसमें इंटरेस्टिंग चीज मुझे ये लगी सबसे ज्यादा कि जो जितनी भी हमें वैरायटी नजर आई काफी यूनिक थी। और यू नो एक तो जो हम अब पता नहीं हम लोग सही से अंडरस्टैंड कर पाए या नहीं कि पराठा ही परोटा होता है, क्योंकि जिस तरीके से यू नो वो बनाया था, स्पेशली जो पहले वाली लज़ानिया वाला जो पराठा लग रहा था परोटा, वो उसमें अगर देखा जाए तो लज़ानिया जैसी लेयर और यू नो सारा जो चीजें थी, तो वो मुझे काफी अच्छा लगा क्योंकि एक ना डिफरेंट स्टाइल था उसका प्रेजेंटेशन का। तो मुझे ये चीजें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं कि किस तरह से यू नो प्रेजेंट किया जाता है फूड, और अगर डिफरेंट स्टाइल हो और बनाना लीफ पर हो तो हम लोग तो वैसे ही पहले, मतलब मैं खुद भी बोलती हूँ मुझे खाना पसंद है और मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करूँ। मुँह में पानी आ रहा था और दिल कर रहा था कि हर चीज को चखूँ, मतलब ऐसा लग रहा था कि जिंदगी का सबसे मेन एम हो कि इस चीज को चख के देखूँ कैसा इनको फील हो रहा है। मतलब कि जब वो फील कर रही थी, जब वो इस चीज़ की तारीफ़ कर रही थी, बाकायदा वो बता रही थी कि मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं जन्नत में पहुंच गई हूँ, इतनी ज़बरदस्त उनको फीलिंग आ रही थी। अच्छा पाइनएप्पल, मतलब डोसा भी हमने काफ़ी देखा, इडली भी देखी, थोड़ी सी यूनिक थी और दूसरी चीज़ भी देखी, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये पाइनएप्पल का हलवा, मतलब मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम सुना। लेकिन सेम यही कलर हमारे पास होता है सूजी का हलवा, येलो कलर में होता है, मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, और दिल करता है कि हर खाने के बाद वो चीज़ हो। लेकिन हलवा पूरी के साथ हमारे पास नहीं, येलो था, सूजी का हलवा जो होता है जर्दई कलर का होता है, मतलब वही ये तो लाइम कलर का था ना, नहीं थोड़ा डिफरेंट होता है इससे, येलो भी होता है और थोड़ा सा रेड रेड ऑरेंज टाइप भी होता है, दो तरह का आता है सूजी का हलवा, वो कलर डालते होंगे शायद मेरे ख्याल में, लेकिन रेड भी होता है, सही कह रहे हैं। तो मतलब पाइनएप्पल खुद इतना मीठा होता है, खुद इतना ज़बरदस्त होता है, उसका हलवा कैसे बनता होगा, मतलब वो खुद लिक्विड टाइप की चीज़ है, उसको कैसे हलवे में शेप देते हैं। और मैं ये अक्सर ये सोचता हूँ कि हमारे पास ख़ज़ाना है इंडियन डिशेस, हमारे पास पूरे पाकिस्तान वालों के पास, तो क्या पाकिस्तान वालों के पर ठीक है, आप वहाँ से कुछ चीज़ मंगवा नहीं सकते हो, वहाँ की रेसिपी देख के बना तो सकते हो, घरों में बना तो सकते हो, शॉप्स पर होटल्स तो खोल सकते हो, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को रोक रही है, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है, मतलब कि क्या आप क्या सुन बटा सुन हम लोग हैं, मतलब क्या वो चीज़ है जो हम ये चीज़ ही नहीं कर पा रहे कि उनकी डिशेज़ हम चुरा नहीं पा रहे, उनकी डिशेज़ को हम यहाँ बना नहीं पा रहे, क्या वो चीज़ें वो यूज़ करते हैं जो हमारे यहाँ है ही नहीं, मतलब ये क्या चीज़ है मेरी, मैं बिल्कुल हैरान हूँ। बाकायदा दुनिया लोग यहाँ आके उसको टेस्ट करके व्लॉग बना रहे हैं और हम लोग इन चीज़ों से महरूम हैं, क्यों हमारे यहाँ रेस्टोरेंट नहीं है इस तरह के।